गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसीटी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात करी थी क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, कैसे हम उन प्रॉपर्टीज की मदद से दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करते हैं। कोई भी दो ट्रायंगल हमने ले लिए हैं जैसे एबीसी और पीक्यूआर, अगर ये दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हम प्रूव कर देते हैं किसी भी एक प्रॉपर्टी से, जैसे एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, ट्रिपल एस या कोई भी कंग्रुएंसी प्रॉपर्टी के साथ अगर हम दो ट्रायंगल को प्रूव कर देते हैं तो हम इस पर सीपीसीटी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कंग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, जिसको शॉर्ट में हम सीपीसीटी बोलते हैं। अब जैसे ये दो ट्रायंगल है, हमने इनको कंग्रुएंट प्रूव कर दिया है, मतलब जैसे किसी भी क्वेश्चन में हमने इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर दिया, तो इसके बाद हम इस पर सीपीसीटी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ले लिए पहले, तो ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होगा, उसी तरीके से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा, उसी तरीके से एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, जो इधर है वो इधर होनी चाहिए। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इक्वल टू पी आर, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो इसी तरीके से हम सी पी सी टी किसी भी ट्रायंगल पे अप्लाई कर सकते हैं। कब करनी है, जब कंग्रुएंट प्रूव हो चुका हो। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, इस सीपीसीटी को अप्लाई करेंगे उन क्वेश्चंस में और कंग्रुएंट ट्रायंगल भी प्रूव करेंगे। पहले कंग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करेंगे, उसके बाद सीपीसीटी अप्लाई करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।